गर्मियों के मौसम में आपको मार्केट में इस तरह के लसोड़े देखने मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अचार बनाते हैं पूरे साल के लिए। लेकिन आप इस तरह से लसोड़े की भरवा सब्जी बना सकते हैं। लसोड़ा हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब लहसुन ले लिए है। पानी से अच्छे से उसे साफ कर लिया था। आपके यहाँ इसे क्या नाम से जाना जाता है कमेंट करके जरूर बताना। तो पहले हम इस तरह के लसोड़े के जो डंठल है वो निकाल देंगे। पानी से आप पहले अच्छे से इसे वॉश कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पतीले के अंदर पानी उबालने के लिए रखेंगे और उसके अंदर लसोड़े डाल देंगे और उसे 50 to 60% तक कुक करना है, यानी उसको आधा हमें पका लेना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में आप इसे रहने दें और फिर जब ये हल्के से नरम हो जाए और आधे पके हो जाए तब हम इसे छलनी में निकाल देंगे। इतनी क्वांटिटी में से आप 2 से 3 लोगों के लिए ये सब्जी बना सकते हैं। तो इसे अभी कवर कर देंगे और उसे पकने देंगे। तब तक हम अंदर का स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है और उसके अंदर डाला है मैंने 2 टीस्पून के करीब तेल। अब उसके अंदर जाएगा बेसन, तो मैंने आधा कप बेसन लिया है। 250 ग्राम अगर आप लसोड़े ले रहे हैं तो उसमें आधा कप बेसन लगता है। तो बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा ना, इसका कलर हल्का चेंज होगा और बहुत ही बढ़िया बेसन भूनने की खुशबू आपकी पूरी रसोई में से आएगी। अगर आपको इस तरह से बेसन भून के स्टफिंग नहीं तैयार करना है तो आपके पास बेसन की पापड़ी या गाठिया या बेसन की सेव, यानी कि कोई भी नमकीन पड़ा हो ना बेसन वाला, तो आप उसे मिक्सर जार में ग्राइंड करके फिर ये मसाला तैयार कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई नमकीन घर में नहीं है तो बेसन को भून के भी बना सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप अंदर का स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बातों ही बातों में हमारा बेसन है अच्छे से भून गया है। तो बहुत बढ़िया भुनने की खुशबू भी आ रही है और बेसन भुनने के लिए हमें ज्यादा तेल डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बस मैंने 2 छोटे चम्मच यानी 2 टीस्पून तेल डाल दिया था। अब इसे एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। अगर आप उसे पैन में छोड़ देंगे ना तो हो सकता है कि नीचे वाला जो बेसन है ना वो ओवर कुक हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इसे अभी हम ठंडा होने देते हैं। तो अब चलते हैं लसोड़े की ओर। तो हमारे जो लसोड़े हैं अभी आधे पक चुके हैं, यानी 50 to 60% तक ये कुक हो चुके हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं इस तरह से चेंज हो गया है। तो छलनी में निकाल देंगे और इसका पूरा जो पानी है ना वो ड्रेन आउट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक आम ले लिया है कच्चा वाला, तो ऐसा बड़ा सा टुकड़ा मैंने ले लिया है और उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो जो छोटी वाली साइड है ना उससे हम कद्दूकस करेंगे। तो अगर आपके पास घर में आम नहीं है तो आप खटाई के लिए नींबू का रस या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। वैसे तो जिस सीजन में लसोड़े आते हैं उस सीजन में आम भी आती है, तो अगर आम है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हमने जो बेसन ले लिया था ना वो भी ठंडा हो चुका है, तो सारे मसाले इसके साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे कलर बढ़िया आए, तो मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून यानी 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। फिर जाएगा धनिया जीरा पाउडर, तो मैंने 2 टीस्पून यहाँ पर धनिया जीरा पाउडर डाला है। अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप इसके अंदर कूटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक जाएगा स्वाद के हिसाब से, तो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक भी डाल दिया है। अब खटाई के लिए हमने जो आम को कद्दूकस करके रखा था वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने तोतापुरी आम लिया है, आप चाहे तो देशी वाला जो आम आता है वो ले सकते हैं। अब हमने खटाई डाली है तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं गुड़ डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। अगर आप चाहे तो बिना गुड़ डाले भी इसे बना सकते हैं या फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं मिठास के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये जो भरवा मसाला है ना वो आप कोई भी भरवा सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आप नमकीन ले रहे हैं तो नमकीन को आप मिक्सर जार के अंदर पहले ग्राइंड कर लीजिए, फिर बाकी की जो सारे मसाले हमने डाले हैं बाकी सारी चीजें आप डाल के इस तरह से तैयार कर लें। लसोड़े अभी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, एक शार्प नाइफ ले लेंगे और उसका अंदर का जो बीज है ना वो निकाल देंगे। लसोड़े अंदर से काफी चिकने रहते हैं, तो आप साथ में थोड़ा सा नमक भी ले लीजिए
तो इस तरह से शार्प नाइफ से आप अंदर का जो उसका बीज है ना वो निकाले, तो नाइफ को आप नमक वाला कर दे, तो नमक से क्या होगा कि आसानी से बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसका बीज अभी बाहर आ गया और आप देख सकते हैं कि ये काफी स्टिकी है। तो इस तरह से बीज निकालने के बाद अंदर अभी भी थोड़ी सी चिकनाहट बाकी है, तो उसे निकालने के लिए हम एक चम्मच ले लेंगे और पीछे वाला उसका जो हिस्सा रहता है ना उसके ऊपर नमक लगा के इस तरह से सारी अंदर की जो चिकनाई है वो निकाल देंगे। तो सारे जो लसोड़े हैं हमें इस तरह से पहले उसके अंदर वाला बीज निकाल कर साफ कर लेना है। अगर साइड में से ये टूट भी जाता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो देखिए अंदर से मैंने उसकी सारी जो चिकनाई थी वो भी निकाल दी है। तो बस इसी तरह से सारे जो लसोड़े हैं हम तैयार कर लेंगे। बस हमारा समय सिर्फ इसमें ही जाता है, बाकी तो ये सब्जी झटपट से तैयार हो जाती है। तो सारे लसोड़े के अंदर के बीज निकाल देने के बाद हमने जो मसाला तैयार किया था वो मसाला इसके अंदर अच्छे से भर देंगे। तो मसाला आप थोड़ा सा प्रेस करके भरे, और यकीन मानिए दोस्तों ये जो भरा मसाला है ना वो इतना टेस्टी है कि एक बार आपने इसे बना लिया ना तो फिर कोई भी भरवा सब्जी आप बनाएंगे ना तो ये मसाला जरूर डालेंगे। अब एक भारी तले वाला कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। अब उसमें जाएगा 1 टीस्पून सरसों। सरसों चटकने पर इसके अंदर जाएगी हींग। तो ये सब्जी में हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, तो आप इसे बनाकर बाहर 2 से 3 दिन तक और फ्रीज में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे। इस तरह तड़के के अंदर हल्दी डालेंगे ना तो सब्जी में कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और सारे जो लसोड़े हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। लसोड़े को हमने पहले ही आधा पका लिया था तो अब इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बस इस तरह से तड़के के साथ मिक्स करेंगे ताकि उसका ऊपर वाला जो लेयर है ना वो बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। आप चाहे तो इसे स्टीम में भी यानी भाप में भी पका सकते हैं। तो बस अभी जितना भी इसके अंदर कुकिंग बाकी है वो सारी प्रोसेस हम इस तरह से पैन में करेंगे। तो अभी आधे तो ये पक ही चुके हैं, तो बाकी आधे पकने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरह से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और 4 से 5 मिनट पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद जो बाकी मसाला बचा था वो इसके अंदर डाल देंगे। ये मसाले में हमने बेसन पहले ही भून के लिया था तो इसे भी पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मिक्स करेंगे और फिर से 1 से 2 मिनट के लिए इसे रहने देंगे। तो जब आपके लसोड़े पक जाए उसके बाद ही आप बचा हुआ जो मसाला है ना वो डालें, पहले ना डालें, नहीं तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी जो कढ़ाई है वो पतली है तो नीचे से तले में ये चिपकेगा। तो बस हमारी सब्जी तैयार है। तो इस तरह से ये ड्राई सब्जी बन के तैयार होती है। तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में या ऑफिस के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे। तो दोस्तों ये लसोड़े की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करना। रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी नई नई रेसिपी हमेशा आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आई है तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले।